एरर कोड को कैसे हटाए? देखो E1 एरर आ रहा है, हम इसको हटा देंगे बिना सेंसर के। और इसका कोई सा भी बटन काम नहीं कर रहा है, हम दबाने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा, तो हम इसका बटन भी चेंज करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं समीर, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों बात करते हैं E1 E2 आ जाना, ये सेंसर प्रॉब्लम है। हमारे पास सेंसर ना हो फिर कैसे इस एरर कोड को हटाएंगे अपने डिस्प्ले से? जी बिल्कुल, हमारे पे सेंसर नहीं है फिर भी डिस्प्ले से हम एरर कोड को हटा देंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको एरर कोड के लिंक मिलेगा, आप उसे जाके डाउनलोड करो, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम लिंक मिलेगा, आप वहाँ भी हमें फॉलो करो और हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं वीडियो, के बाद प्रेस नहीं होता है तो इसके बटन में भी इशू था, तो हम इसका पूरे बटन भी चेंज करेंगे। तो चेंज करते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रिपेयर करते हैं। तो इसका कोई सा भी बटन यूज नहीं कर, प्रेस नहीं हो पा रहा था हमारे से, तो इस सब को हम निकाल के अपना न्यू बटन लगाएंगे। तो जैसा कि देखो, हमने बटन निकाल दिए, पुराने वाले ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको बगल में, और ये ब्लू कलर का हमारे न्यू बटन है, तो सही क्वालिटी के ये। अब ये ब्लू वाला बटन हम इसके अंदर अपने कार्ट के अंदर लगाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अपने सोल्डिंग को सोल्डिंग करेंगे इसमें। तो हमारा सोल्डिंग भी तैयार है। तो ये हमारे पास रजिस्टर है देखो, तो ये रजिस्टर भी हम इसको लगा के आपको लास्ट में दिखाएंगे कि ये लगाने से हमारा एरर कैसे चला जाता है। तो ये आप हमेशा अपने पास रखा करो, कभी सेंसर ना हो तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखो दोनों ले आए 10-10 किलो ओम के, ये दोनों हम दोनों सेंसर में लगाएंगे, एक इवेपोरेटर सेंसर में लगाएंगे, एक रूम टेम्परेचर सेंसर में लगाएंगे। ये दोनों लगाने के बाद हमारा एरर कोड ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा सही वर्क करेगा। देखो हम रिपेयर कर रहे हैं, ये हम अपना बटन को सोल्डिंग कर रहे हैं, हमारे पे जो स्विच बटन था ना छोटे वाले, उस स्विच को हम सोल्डिंग कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो हम सोल्डिंग कर रहे हैं, ये हमारा चौथा बटन सोल्डिंग हो रहा है, बाकी हमने आधा काट दिए वीडियो, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाता। तो ये छोटा वीडियो करने के लिए हम शॉर्ट पे बना रहे हैं, हमने आधा वीडियो काट दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हो सोल्डिंग कर रहे हैं, बहुत ही आसान है ये करना। आप हमेशा अपने साथ आयरन लेके आयरन साथ लिया करो और सोल्डिंग रोड, और ये सब बहुत यूज़फुल होगा हमारे लिए आगे चल के। जैसे कि हमारा हो गया ये, अब हम देखो ये बटन हमारा जितना निकला ब्लैक वाला ये सब ख़राब है, हम इसको कर देते साइड में। अभी हमारा हो गया साइड में, सब ओके हो गया, बटन भी हमने दबा के देख लिया, सब ठीक है। तो अब इसको देखो, हमने सेंसर भी इसका लगा दिए, दोनों इवेपोरेटर सेंसर और रूम टेम्परेचर सेंसर। अब हम आपको डिस्प्ले ऑन करके दिखाएंगे कि ये कैसा वर्क कर रहा है। देखो इसका सोल्डिंग देखो, बिल्कुल बढ़िया हो गया सोल्डिंग। अब हम इसको ऑन करेंगे, तो अब हम इसको ऑन करते हैं, उसके बाद हम अपने डिजिटल मीटर से इसका पूरी वायरिंग के अंदर हमारा प्रॉपर वोल्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है ये भी चेक करेंगे अपना डिजिटल मीटर से। तो इसको हम सेट कर लेंगे अपना 750 वोल्टेज पे, और आपको हम इसका वोल्टेज भी दिखाएंगे कितना आ रहा है और किस किस पे आ रहा है। तो इसमें हाई, लो, मीडियम, स्पीड भी है, हम उस पर भी दिखाएंगे, स्विंग पे भी दिखाएंगे, और इसका आउट जो फेंकता है कंप्रेसर के लिए उस पर भी दिखाएंगे। देखो जैसे कि हमारा 16 टेम्परेचर शो हो गया, अब हमारा सब बटन प्रेस हो रहा है। ये देखो हम मोड का बटन प्रेस कर रहे हैं,
ये आपका कूल मोड हो गया, ये ड्राई मोड हो गया, ये फैन मोड हो गया, ये कूल मोड में हम दोबारा छोड़ दिए इसको, और हमारा सब बटन मतलब कि बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। तो देखो अभी कूल मोड में ये 3 मिनट तक ब्लिंक करेगा, उसके बाद ये अपना आउट आउट फेंकेगा, जो कंप्रेसर को जाता है आउट, वो हमारा रनिंग भी हो सकता है, वो हमारा कॉमन भी हो सकता है। तो देखो इस पे सब बटन चल रहा है, हमने एनर्जी सेविंग का भी किया है, तो एनर्जी सेविंग का भी बटन प्रेस हो गया, और हम देखो फैन का कर रहे हैं हाई लो मीडियम 1 2 3, मतलब हाई लो मीडियम है ये, तो सब बटन हमारा प्रेस हो रहा है। तो हम आपको इसका वोल्टेज दिखाएंगे अपने मल्टीमीटर से। देखो हमने दोनों वायर हाथ में लेके, देखो इसका हम हाई, सबसे पहले हम इसका हाई वोल्टेज देख रहे हैं कि ये कितना आ रहा है। तो हाई वोल्टेज हमने देखे जैसा कि 233 आ रहा है, मतलब कि 233 वोल्टेज हमारा प्रॉपर आ रहा है इसमें। तो हम चेंज करेंगे अब इसको, हम ये लो लो स्पीड पे हमने कर दिया, जिसको हम 1 नंबर कहते हैं एफ एन लो स्पीड। तो इस पे भी देखो हमारा जैसे कि 233 ही आ रहा, मतलब 233 230, ये देखो 233 हुआ। अब हम करेंगे मीडियम 2 नंबर, तो हमने मीडियम कर दिया। अब इसको भी हम चेक करेंगे इस पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इस पे भी जैसे कि देख रहे हो 230 233 234 वोल्टेज हमारा शो हो रहा है। तो ये हमारा ओके है, हमारा पीसीबी प्रॉपर काम कर रहा है। अब हम स्विंग को देखेंगे, स्विंग हमारा चल रहा है, तो हमने स्विंग पे लगा दिए एक तार, एक न्यूट्रल वे। तो जैसा कि देख रहे हो उस पे भी हमारा 233 वोल्ट आ रहा है, तो हमारा स्विंग भी ओपन है। और देखो अभी बिलिंग हो रहा है, वो 3 मिनट के बाद अपना आउट फेंकेगा रिले के जरिए, तो हम उस पे भी दिखाएंगे आपको कितना वोल्ट आ रहा है। तो हम देखो जैसे कि आउटपुट फेंक दिया उसने, तो देखो उस पर भी हमारा 233 235 242 तकरीबन इतना आ रहा है। देखो 242 भी आ जाता है, 240 तक आ रहा है, मतलब कि जो आगे से आ रहा है वो हमें इस पर शो होगा। तो ये हमारा बिल्कुल ओके हो गया। हमने देखो सेंसर बदल के ये रजिस्टर लगा दिए 20 किलो ओम का, तो ये बहुत आसानी के साथ हो जाता है, ये आप अपने साथ रखा करो, बहुत ही यूजफुल होगा ये। तो हमारा देखो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, ये पीसीबी ओके हो गया है। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो हम फिर लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।